फ्रेंड्स ये देखिए बहुत पुराना सेटअप है ये। औस भाई कैसा साल पुराना आपका सेटअप है कैमरे का? फालतू चीज मत डालो, समझे कि नहीं? औस भाई अभी कुछ बताना नहीं चाह रहा है, लेकिन है ये अच्छा खासा पुराना हो गया ये। आज इसको ऑनलाइन करना है, स्क्रीन पे आ रहा है। मैंने आपको पहले वी विजन का जो मॉडल दिखाया तो दूसरा है, ये लेटेस्ट मॉडल है। ये जो है देखिए 300 Mbps तक सपोर्ट करेगा, बस शर्त ये है कि सिम उतना नेटवर्क दे। बाकी साथ में देखिए ये आपकी पावर कॉर्ड और ये लैन पैच केबल जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये रही जियो की सिम जिसमें कि नेट रिचार्ज है, और ये हमारा सिम स्लॉट दिया हुआ है। बाकी ये रिसेट वगैरह है फिलहाल, अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी ये पावर सप्लाई का है, ये लैन का है। तो सबसे पहले इसमें स्टार्ट करने से पहले सिम को आप लगा लीजिए और ये देख लीजिए सिम सीधा लगे, सिम में कोई गड़बड़ी ना हो, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए अगर सिम सही लगेगा उसको ढकेलेंगे तो वापस पुश करेगा, वो एजेक्ट करेगा, यानी सही लग गया है। उसको बैठाने का तरीका आप किसी स्क्रू ड्राइवर वगैरह किसी उससे जो है इसको हल्का सा प्रेस कर दें, ये देखिए ये फिक्स हो गया। अब ये रिटर्न नहीं होगा, इसको निकालने में दोबारा आप इसको फिर से दबा दीजिएगा, ये बाहर निकल आएगा। ठीक है, ये राउटर में सिम लग गया है और अब इसको पावर देना है। तो ये हमारा पावर पॉइंट है, इसको ये पावर दे देंगे और ये हमारी लैन जो साथ में मिली है, इसमें साथ में जो मिलती है वही काम आ जाती है। रीज़न ये है कि आप इसको कहीं भी रख सकते हैं, इस राउटर को, इसमें कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है। इस बहुत अच्छी चीज़ है ये, मैं ऑनलाइन को लेके काफ़ी दिक्कत हुआ करती थी वो सारी चीज़ें जो है, कि ये भी एक नॉर्मल सेटअप की तरह देखिए साथ में रखा जा सकता है। अब इसको हमें सप्लाई देना है, तो सप्लाई देखिए कहाँ से देंगे, क्योंकि इधर साइड में एक USB पोर्ट खाली होता है। आते हैं थोड़ा सा, ये देखिए नीचे की तरफ ये देखिए USB पोर्ट है, इसको हम USB में लगा देंगे। थोड़ा एक हाथ से मुश्किल हो रही है ये, इसको प्रेस कर दिया और उसके बाद इसको हम लैन RJ45 कनेक्टर मतलब लैन कार्ड में इसको लगा देंगे। देखिए ब्लिंक करने लगा, देखिए यहाँ पे लाइट्स वगैरह सब ऑन हो गई। खाली सप्लाई देने से नहीं चला था, जब ये पूरा कंप्लीट कनेक्ट किया गया है तब ये ऑन होगा। इसमें ये अच्छाई है कि ये ऑन होगा, सिग्नल रिसीव करेगा। आपको DVR पे देखना है, ऑनलाइन शो करता है कि नहीं, अगर नहीं करता तो फिर इसको हम IP के थ्रू एक्सेस करेंगे, और इसको इस IP के थ्रू देखे दिया 192.168.100.1, और इसका जो भी नाम होगा VVision करके शो करेगा, मैं वो भी आपको दिखा दूंगा। लेकिन मेरे पास मोबाइल एक ही है, मैं दूसरा नहीं लाया हूँ, तो उससे भी कन्फिगर हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल सबसे आसान तरीका इसमें यही है कि आप सीधे स्क्रीन पे जाइए, मेन मेनू में जाइए और नेटवर्क में जाइए, इसको इनेबल करिए, और आपको यहाँ पे TCP/IP लेना है। एक बार सिस्टम को रीस्टार्ट कर दीजिए, अगर नहीं शो कर रहा है तो एक बार रीस्टार्ट कर दीजिए। दोबारा से ऑन होगा तो जो भी सेटिंग इसको मिलेगी ये उसको अप्लाई कर देगा। सिस्टम रीस्टार्ट हुआ है। इसमें कई मॉडल आते हैं वी विज़न में, लेकिन ये जो है सबसे बढ़िया मॉडल है,
क्योंकि जहाँ पे ये लगना था वो थोड़ा बेसमेंट है, आप देख रहे होंगे मार्केट से नीचे है, तो यहाँ पे सिग्नल थोड़ा कम आता है। तो अगर डिवाइस अच्छी नहीं होगी तो सिग्नल सही से इसको मिलेगा नहीं, इसलिए अब देखिए यहाँ पे लगेगा, उसके बाद ये नीचे इसकी जगह है, तो यहाँ पर समझ रहे होंगे सिग्नल पहुँच पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि और भी जो यूज़र है यहाँ पे, जैसे कि मार्केट अंदर तक है तो उधर बहुत प्रॉब्लम होती है। ये तो खैर चलिए फर्स्ट है शॉप, लेकिन फिर भी यहाँ पे प्रॉब्लम रहती है, तो इस वजह से मैंने इस मॉडल को सिलेक्ट किया, जो कि काफ़ी लोगों ने इसके अच्छे रिव्यू दिए थे कि बढ़िया है, अच्छा काम करता है, तो मैं भी देखता हूँ कितना बढ़िया काम करता है ये। ब्लॉगिंग करते हैं, क्या नाम है लड़के का? ठीक है, ब्लॉगिंग कैसे होगा? ठीक है, देखिए ये लॉगिन हो गया, टीवी खराब है क्या भाई? कैमरा आ रहे हैं। ठीक है, देखिए ऑनलाइन हो गया, कोई ज़्यादा सेटिंग नहीं होती, ये बाय डिफ़ॉल्ट सिम से इसने इंटरनेट को सिलेक्ट कर लिया और सिस्टम हमारा हो गया। बाकी इसको ऑनलाइन कैसे देखना है आपको पता है, इसमें सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल करना होगा जी, ठीक है, तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करिए और बारकोड को स्कैन करिए और उसके बाद ऑनलाइन हो जाएगा। मैं अभी ऑनलाइन वॉज बाई में करता हूँ, तो फिर आपको दिखा देता हूँ एक बार फाइनली। ये हमारा सेटअप देखिए, यहाँ पर TCP/IP है, जो है मैंने IP एड्रेस को DHCP किया, इसने देखिए एड्रेस दे लिया है, ये इसका एड्रेस हो गया। बाकी वाईफाई का इसमें कोई रोल नहीं है, डायरेक्ट ये कनेक्ट हो गया, 3G का कोई काम, इसमें इंस्टॉल में जाके आप एक बार फाइनली चेक कर लीजिए, ये ऑन हो गया है। तो ठीक है, अब इसको ऑनलाइन करते हैं वॉज बाई मोबाइल पर और आपको दिखाते हैं। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आईफोन पे iMock चलता है, एंड्रॉयड पे GCMock चलता है, तो अगर आप आईफोन यूज़र हैं तो आपको iMock डाउनलोड करना होगा, और अगर एंड्रॉयड यूज़र हैं तो आपको GCMock करना होगा। आप आईफोन पे ना GCMock आपको दिखेगा और न ही एंड्रॉयड पे आपको iMock दिखेगा, तो ये फ़र्क का ध्यान रखिएगा, ठीक है, इस बात को। बाकी इंस्टॉल हो रहा है, इंस्टॉल होने के बाद इसको कॉन्फ़िगर करते हैं और कॉन्फ़िगर करके फिर मोबाइल पे कैमरे को एक्सेस करते हैं। काफ़ी स्लो फोन है, बहुत टाइम ले रहा है, और ठीक है काम करेगा। ठीक है, ये आ गया, हमने इसको ओपन कर दिया और ये हमारी स्क्रीन आ गई। इसको नेक्स्ट अलाउ करने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता है नहीं, डोर फोन है नहीं हमारे पास, ये कैमरा देखना है, इसको नेक्स्ट कर दीजिए। उसके बाद ये हमारा स्क्रीन खुल के आ गई, हमें यहाँ पे जाके सॉरी मोबाइल की स्क्रीन में देख रहा हूँ, दिक्कत कम चल रहा है, में देखिए ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, फिलहाल इनका काम नहीं है, हमें करना ये है यहाँ पर जाके लोकल, ये देखिए ये कैमरा बना है ना, यहाँ पे जाकर हमको कैमरा ऐड करना है, ठीक है। देखिए ये कैमरा ऐड करेंगे, कौन सा कैमरा हम देखने जा रहे हैं, वाइड कैमरा देखने जा रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, इसमें कोई गलती मत करिएगा नहीं तो नहीं होगा। इंस्टॉल या IP डोमेन, तो हमें IP डोमेन तब होता है जब आप अपने ऑफिस में ही या अपने कैंपस में एक्सेस कर रहे हो, वहाँ पे आपका खुद का पर्सनल लैन पूरे में चलता हो, लेकिन यहाँ पे हम इंस्टॉल मतलब जो कि
कोड जनरेट कोड देता है हमको सी पी या अदर कंपनी, हम उस कोड के थ्रू करते हैं, वो होता है इंस्टॉल। ये हमारी स्क्रीन है और ये हमारा, हमें ये या तो सीरियल नंबर यहाँ पे टाइप करेंगे या तो स्कैनर से स्कैन कर लेते हैं। अलाउ कर दीजिए, अलाउ करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। ये हमारा ये इसने स्कैन कर लिया है, ठीक है। बाकी हम और चीज़ें इसमें फिल कर लेते हैं, फिर आगे आपको दिखाते हैं। ये क्या किया आपने? ठीक है, देखिए शॉप मैंने ये सिलेक्ट किया। आप चाहें तो अगर तीन चार हैं तो आप जो जो कैमरे चाहें वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तीन चार डी वी आर एक साथ देख सकते हैं। यहाँ मैंने शॉप सिलेक्ट किया तो ये सारे कैमरे सिलेक्ट हो जाएंगे। इसमें जाके कैमरा सेलेक्ट करिए और ये शॉप बना हुआ है कनेक्शन, इसी तरह आप भी बना लीजिए। इस पर सिलेक्ट करेंगे तो इस डी वी आर के सारे कैमरे आएंगे। आपको अगर सिर्फ कैमरे करने हैं, जैसे आपको दो कैमरे हैं तो आप दो कैमरे सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आके लाइव प्रीव्यू, डिपेंड करता है इंटरनेट कितना तेज़ है, उसकी स्पीड पर डिपेंड करता है। स्पीड अच्छी होगी फ़ौरन खुल जाएगा, स्पीड अगर अच्छी नहीं होगी तो टाइम लेगा। जैसे ये आगे फेल टू कनेक्ट, इसका मतलब ये है जियो का नेटवर्क यहाँ पे अभी है। लाइट चली गई ना? लाइट भी चली गई, टावर रिस्टार्ट हो गया होगा। ठीक है, कैमरा इसी में आते हैं। मैंने आपको इस तरह के वीडियो बहुत बना के दिया है, ये भी मैंने दबुआ का अलग का और इसका अलग दिया है, और इसमें कुछ नहीं करना। बाकी यहाँ पे कुछ कंट्रोल बटन दिए हैं, आप कंट्रोल भी कर सकते हैं यहाँ से डी वी आर को अपने, तो आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। ओके बाय।